हाय गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सागर। और इस वक्त की बहुत बड़ी न्यूज जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, आईआईटी जम्मू में, जी हाँ बिल्कुल, आईआईटी जम्मू में जो है रिक्रूटमेंट है वो कंडक्ट होने जा रही है। आईआईटी जम्मू ने जो कुछ एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक पोस्ट है जो वो नोटिफाई की है, आप देखते हैं किस तरह की पोस्ट है जो वो नोटिफाई की है। अब मैं बता देता हूं कि जो जो पोस्ट है वो मेडिकल स्ट्रीम के रिलेटेड है, यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है आईआईटी का जम्मू उसके रिलेटेड रहेंगी। सो वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किस तरह की पोस्ट जो है वो आईआईटी जम्मू ने रिक्रूट कर दी है। सो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि इन फ्यूचर की जितनी जॉब्स नोटिफिकेशन हो उसकी जो अलर्ट है वो आपको टाइमली पहुंच सके। सो मैं बताता हूं किस तरह की पोस्ट है, इस वीडियो में भरते हुए आगे देखते हैं। सो आप देख सकते हैं आईआईटी जम्मू जगती, जी हाँ जगती नगरोटा में जो इनका मेन ऑफिस है वहां से एक जो पोस्ट एडवर्टाइज की गई है, वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो आईआईटी जम्मू एस्टेब्लिशमेंट सेकंड 11-16/3/2018/362 जो डेट है इसकी वो 4 दिसंबर की है। जी हाँ बिल्कुल, जनरल लाइन ड्यूटी, जी हाँ जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है, एमओ की पोस्ट है यहाँ पे, जो हेल्थ एंड मेडिकल यूनिट है आईआईटी जम्मू की, वहां उसके लिए जो है वो एडवर्टाइज की गई है। यहाँ पे एज लिमिट जो बताई है 65 इयर्स है और जो पे है वो कंसोलिडेटेड रहेगी 50-70,000 रुपीज पर मंथ जो है आईआईटी जम्मू है सैलरी प्रोवाइड करेगी मेडिकल ऑफिसर को। सो देखते हैं किस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। सो क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमडी अगर आप हैं और इन अप्रिशिएट ब्रांच में आपके पास डिग्री रहती है एमडी की मेडिसिन में, सो एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ अगर आपके पास है और साथ में ही एक साल का एक्सपीरियंस है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का, सो आप जो है वो एलिजिबल रहेंगे आईआईटी जम्मू में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। और अगर देखें फर्दर, अगर आपने एमबीबीएस किया है और 60% मार्क्स आपके पास हैं तो और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल का, सो आप फिर भी एलिजिबल जो है वो रहेंगे। और मैंडेटरी रहेगा आपको कंडक्ट सर्टिफिकेट है जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट में जिसमें आपने काम किया उससे कंडक्ट सर्टिफिकेट जो आपको है वो अप्लाई देना पड़ेगा आईआईटी जम्मू को। उस साथ में ही बात करेंगे तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको एटलीस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, यानी बिल्कुल एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट की बात करें तो इसमें जो है थोड़ी बहुत ही नॉलेज उनको रहनी जरूरी है। अगर किसी कैंडिडेट के पास सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, यानी कि उनके पास एमबीबीएस की डिग्री है, 60% मार्क्स हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस भी रहता है अगर कॉलेज में, या फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस रहता है, तो उनको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसी के ऊपर, इसी पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जो है वो आपको वीडियो बनाकर दिखा दूंगा एक पूरी डीपली। और बात करते हैं आगे डिजायरेबल क्या रहेगा, वर्क एक्सपीरियंस शुड बी अ मेडिकल कॉलेज रहना चाहिए या फिर लार्ज गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल होना चाहिए जहां पे आपने काम किया हो। और बात करेंगे वर्क प्रोफाइल की तो पेशेंट को जो है कंसल्ट करना है और ट्रीटमेंट का जो है वो आपकी प्रोफाइल में रहेगा। ड्यूटीज शैल बी अलॉटेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मेडिकल यूनिट जो है वो आपको ड्यूटी प्रोवाइड करेगी एज पर जो उनको उसमें रिक्वायरमेंट होगी। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो केयरफुली जो है वो अपना मिनिमम क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया देख लें और साथ में एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं, उसके बाद ही जो अप्लाई करने के लिए जाएं। और जिन जिन ने अप्लाई करना है मैं आपको सीधी डायरेक्टली बताता हूं, वीडियो को लंबा ना करते हो, वो आईआईटी जम्मू की साइट से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो है वो आपको मैं बता देता हूं, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रहेगी इस फॉर्म के लिए, यानी विदाउट एप्लीकेशन फी जो है वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और टीएडीए भी जब आप अटेंड करने जाते हैं इंटरव्यू या कुछ भी इसका फेस, तो वो आपको जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर के द्वारा नहीं मिलेगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे उनको इंटरव्यू के लिए जो है वो बताया जाएगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया, स्काइप या जूम के थ्रू ही जो है उनका वो इंटरव्यू किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट जब भी अपडेट होगी मैं डेफिनेटली इस वीडियो शॉर्टलिस्ट की जो वीडियो में बना के यहां पे अपलोड कर दूंगा अपने चैनल में वैलेंटाइन पे। सो मैं आपको बता देता हूं कि जो कैंडिडेट है उनको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वेरिफिकेशन के लिए ले जाने होंगे इंटरव्यू के टाइम पे और ज्वाइनिंग के टाइम पे भी उनको ले जाने होंगे। सो फर्दर बात करते हैं किस तरह की एप्लीकेशन किस तरह सबमिट कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि 4 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और 13 दिसंबर तक चलेंगी, यानी यू हैव ओनली 5 डेज लेफ्ट टू फिल दिस फॉर्म। और 5 बजे तक जो है 13 दिसंबर को शाम तक जो है एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन मोड से फिल होंगी और ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो जम्मू आईआईटी जम्मू की www.apply.iitjammu.ac.in वहां से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर आपकी होती है तो वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपको इस एडवर्टाइजमेंट के अगर रिगार्डिंगली कोई क्यूरी है तो वो आप कुछ भी जो है इनकी अपने ऑफिशियल मेल है जो registrar@iitjammu.ac.in वहां पे अपनी जो क्यूरी है वो पुट कर सकते हैं। और अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन और आपको चाहिए आईआईटी जम्मू के बारे में तो आप उनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.iitjammu.ac.in। और
जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता चुका हूँ 13 दिसंबर की है। तो मेडिकल ऑफिसर के लिए एक बहुत बड़ी पोस्ट यहाँ पे जो है वो IIT जम्मू ने कंसोलिडेटेड निकाल दी है। जितने भी कैंडिडेट्स या मेरे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर काम करते हैं, MBBS या MD की डिग्री आपके पास रहती है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। IIT जम्मू में जो है वो पोस्ट क्रिएट कर दी गई है कंसोलिडेटेड एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस एडॉक्ट बेस में। सो आप इसको फॉर्म को फिल करिए और चैनल के साथ बने रहे फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच और दीजिए इजाजत मुझे। सो फर्दर अगली वीडियोज में मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ। और आज शाम को 6-8 बजे जो है वो मेरी फर्दर लेक्चर 1C की जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगी। थैंक यू फॉर ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।